स्टूडेंट्स अस्सलाम, स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा इन इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना सीख रहे थे। उसमें 7.1 में आपके पास लीनियर इक्वेशंस थी जो फ्रैक्शन वगैरह की फॉर्म में थी, फिर आपके पास रेडिकल साइन की इक्वेशंस थी। अब बेटा अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। बेटा देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। ये जो आपके पास देखिए मॉड एक्स है, ये जो आपके पास ये जो साइन होता है, इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू अच्छा बेटा बेसिकली होता है क्या, देखें कि आप जैसे मॉडुलस फंक्शन में चाहे देखें नेगेटिव भी हो वैल्यू, तो ये हमेशा हो जाती है प्लस, ये प्लस एक्स होगा, ठीक है। और अगर अगर प्लस एक्स है तो तब तो ये प्लस एक्स ही होगी। ये कैसे होती है अभी आपको मैं बताऊंगा। अब बेसिकली देखें एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है कि वो वैल्यू जो नंबर लाइन से 0 से या तो पॉजिटिव की तरफ हो या नेगेटिव की तरफ हो, ठीक है। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑन नंबर लाइन। नहीं बेटा क्या होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो रीजन होता है, यानी जो आपके पास 0 होता है, 0 से या पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। देखिए जैसे आपका नंबर लाइन है, ये आपके पास पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जैसे 0, ठीक है। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, 2, 3, 4, इस तरफ ये -1, -2, -3, -4। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए अब मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ 0 से पॉजिटिव 4 की तरफ, ठीक है। ये तो आप ले लेंगे +4। अब अगर 0 से मैं -4 की तरफ डिस्टेंस ले रहा हूँ, 0 से लेके -4, तो ये है तो -4, मगर आप लिखेंगे यहाँ पे मॉडुलस -4। मॉडुलस -4 का मतलब ये है कि डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, तो ये +4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है वो 0 से नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। तो -4 का मतलब ये है कि -4 -4 इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और आपको पता है कि डिस्टेंस कांट मीन नेगेटिव, तो ये आप क्या लेते हैं +4 लेते हैं, ठीक है। तो अब बेटा देखिए अब ये तो आपके पास देखिए वैसे फिजिकल डेफिनेशन है, अब मैथमेटिकल डेफिनेशन की देखिए ये है। देखिए जैसे आपके पास ये डेफिनेशन की ये है कि मॉडुलस मॉड इज इक्वल टू ए इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा देखिए आपके पास मॉडुलस ए क्या होगा, प्लस ए के बराबर होगा अगर ए 0 या 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव है। और दूसरा देखिए क्या होगा कि माइनस ए होगा कि इफ ए लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगी।
है बेटा, बताने का मकसद ये है कि देखिए, जैसे आपके पास 5 है, मोड 5, ये तो 5 ही होगा। ये वी नो दैट ए जो 5 है वो क्या है, पॉजिटिव है। 5 ग्रेटर देन 0, ये है ना, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन 5 जो है पॉजिटिव है। और देखिए, अगर लिखा होगा -5, तो ये क्या होगा, -5 देखिए ये हो जाएगा माइनस फार्मूले का ए, और फिर देखिए ए आपके पास क्या है, -5। देखिए ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए जो था वो लेस देन 0 था। तो बदल बेटा, आपने याद ही रखना है कि मोड में चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो आप ले लेंगे पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि उसका 0 से डिस्टेंस नेगेटिव की तरफ है, और प्लस का मतलब है कि डिस्टेंस 0 से लेके पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है। और वैसे देखिए, जब आप मोड खत्म करेंगे, देखिए जैसे आपके पास ये होगा कि एक्स इज इक्वल टू, जैसे 5 है, आप ले लेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। मे भी हो सकता है कि ये डिस्टेंस 0 से नेगेटिव की तरफ हो या 0 से पॉजिटिव की तरफ हो। तो जब भी आपने मोड खत्म करना है तो आपने प्लस माइनस लगाना है। और दूसरी बात है कि आपने याद रखना है कि अगर जैसे मोड एक्स इज इक्वल टू -5 है, इसका आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। आप देखें ना, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं पुट कर देता हूँ कि पुट एक्स इज इक्वल टू -5, बेटा देखिए, जब आप यहाँ पे -5 लिखेंगे इज इक्वल टू, ये है -5 ना, तो देखिए जब आप ये -5 है, ये माइनस फार्मूले का, और ए आपके पास -5 है इज इक्वल टू -5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू -5। बेटा कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, तो आप यहाँ लिख देंगे नो वैल्यू सेटिस्फाई सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू -5। इस वजह से कोई सलूशन नहीं होगा। जो आपने याद रखना है कि जब भी मॉड एक्स मॉड होगा और इक्वल टू -5 होगा या माइनस साइन होगा, तो सलूशन नहीं होगा, ठीक है, आपने याद रखना, ठीक है। इसको आप यहीं पे ख़त्म कर देंगे कि नो सलूशन, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, वो करते हैं। बल्कि कुछ इसके पहले सम प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, अब बेटा पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी मॉडुलस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नंबर टू, माइनस मॉडुलस फंक्शन और ये मॉड ए, यानी माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू और प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू, ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। और नंबर थर्ड आपके पास ये है कि ए डॉट बी, यानी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू में हो या मॉडुलस में हो, तो आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसका फोर है कि ए अपॉन बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी, या दो फैक्टर दो नंबर्स मॉडुलस फंक्शन में हो डिवाइड हो रहे हो, तो आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, और यहाँ पर बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इन अपॉन वाली टर्म कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि तो 0 हुई तो फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। बेटा देखिए, पहला तो इसके आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है,
आइडेंटिफाई द सोल जो स्टेटमेंट एस ट्रू और फॉल्स, हमें ये बतानी है कि आई ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अब बच्चों देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है कि मोड एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ओनली वन सॉल्यूशन। बेटा देखिए, ये ट्रू होती है, ठीक है, अभी आपको बताता हूँ। ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, देखिए ना, जब आप ये मोड एक्स इज इक्वल टू जीरो है, जब आप ये मोड खत्म करेंगे तो ये राइट पे आ जाएगा प्लस माइनस जीरो, तब इधर एक्स इज इक्वल टू प्लस जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस जीरो। बेटा देखिए, आपको पता है कि जीरो न्यूट्रल होता है, एक्स जीरो यहाँ से भी जीरो आ जाएगा और माइनस जीरो भी, ये भी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, और दोनों में वैल्यू जीरो ही आ रही है, इस वजह से ये क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जीरो, तो ये ट्रू है, यानी मोड एक्स इज इक्वल टू जीरो हमेशा एक ही सोल्यूशन होगा, दोनों में आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। अब नंबर टू ये है कि ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस। बेटा देखिए, ये फॉल्स होगा, अभी हमने कहा है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास मोड एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपके पास क्या है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है और इसका एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ये फॉल्स। लेकिन अभी हमने कहा था कि जो मोड एक्स है, मोड एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या वन सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि दो सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो मोड एक्स इज इक्वल टू जीरो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसमें ये क्या फॉल्स है। अब नंबर 3 पे आ जाए, देखिए नंबर 3 है द इक्वेशन मोड एक्स इज इक्वल टू टू इज इक्विवेलेंट एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो बेटा देखिए, ये आपके पास क्या है, ये ट्रू है, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। बेटा देखिए, ये आपके पास क्या ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, जब आप ये मोड एक्स इक्वल टू टू है, जब ये मॉडुलस फंक्शन खत्म करेंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस टू आ जाएगा, यानी हो सकता है कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस
एक प्लस टू है, यानी जीरो से और एक क्या है, माइनस टू है, तो ये एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट फोर है, पार्ट फोर है कि एक्स माइनस फोर मॉडुलस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस फोर हैज नो सोल्यूशन। तो ये भी ट्रू है, आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन में कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता, क्यों, कि कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। तो आप लिख देंगे ट्रू, यानी लिख देंगे नो वैल्यू नो वैल्यू सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। और देखिए इसकी डेफिनेशन भी देखें, यह है कि देखिए अगर लिखा हो माइनस मोड एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाता है प्लस एक्स, अगर लेस देन एक्स लेस देन जीरो हो, ठीक है, तो एक्स लेस देन जीरो तब भी क्या होगा, मोड एक्स होगा। आपको बताया था कि देखिए जैसे अगर आपके पास ये माइनस फाइव है, ये माइनस फार्मूले का और ये माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर मोड एक्स लेस देन जीरो तो ये आपके पास आता है माइनस एक्स, ठीक है, तो माइनस एक्स आता है, मगर जब आप इसे लिखेंगे माइनस फार्मूले का और एक्स क्या है माइनस एक्स, ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए माइनस फाइव है, ये माइनस फार्मूले का और एक्स क्या माइनस फाइव है, माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा, तो ये इसका नो सोल्यूशन है, तो ये ट्रू है। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट फाइव, द इक्वेशन टू एक्स माइनस थ्री मॉडुलस इज इक्वल टू फाइव इज इक्वी वैलेंट टू टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव और टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव। बेटा देखिए ये भी आपके पास क्या है, ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि देखिए अगर आप देखिए इसे आप करेंगे ना, कि जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव, और जब ये मॉडुलस फंक्शन आप खत्म करेंगे एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव, तो आप लिख लेंगे इधर टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फाइव और टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो ट्रू ये आएगा, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ट्रू एंड फॉल्स है। अब है इसका क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर देखिए टू आपके पास ये है, और एक्स सॉल्व फॉर एक्स, अपने देखिए इसका फर्स्ट पार्ट ये है थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर। बेटा ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, या इसे आप मॉडुलस फंक्शन भी कह सकते हैं या मॉडुलस इक्वेशन भी कह सकते हैं,
आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 3x-5 इज इक्वल टू 4। अब बेटा देखिए, जब भी आप ये बताया कि जब भी आप ये मॉडुलस फंक्शन ख़त्म करेंगे तो राइट पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 4। अब आप एक दफ़ा प्लस करके सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस, तो इधर 3x-5 इज इक्वल टू ये प्लस 4, और दूसरा और 3x-5 इज इक्वल टू माइनस 4। बच्चों ये आप इसे एक दफा प्लस एक दफा माइनस करके सॉल्व करेंगे। अब पहले आप जब प्लस करेंगे, देखिए 3x-5 इज इक्वल टू प्लस 4, और देखिए 3x इक्वल टू 4 और प्लस 5, और 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, और फिर देखिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो सब जाके डिवाइड हो जाएगा 9/3, और ये 3 वाला 3 3 3 9, एक्स आपके पास आ जाएगा 3। अब ये दूसरी को सॉल्व करेंगे 3x-5, बेटा देखिए 3x इज इक्वल टू -4 और +5, और 3x इज इक्वल टू 5 + 4 1, और एक्स आपके पास आ जाएगा 1/3। अब आपके पास देखिए एक्स की ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, चेकिंग करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे चेक इन। अब बेटा देखिए चेकिंग जब हम करेंगे तो ये एक्स की वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा आपने 3x-5 = 4, तो पहले हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब बेटा देखिए ये 3x की जगह आ जाएगा 3 और -5, अब 3 3 9 -5 = 4, अब 9 में से 5 गया तो 4 = 4, ये ट्रू है। अब दूसरी वैल्यू जब हम रखेंगे, अब दूसरी वैल्यू देखिए आपके पास क्या है कि अब आप at x = 1/3। अब बच्चों जब हम 1/3 रखेंगे, 3x की जगह 1/3 - 5 = 4। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 5 = 4, और 1 - 5 - 4 mod = 4। तो अब बेटा देखिए मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 4 = 4, तो ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो सॉल्यूशन सेट आप लिख देंगे 3 और 1/3, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आज इसका पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 आपका ये है कि 1/2
और एब्सोल्यूट वैल्यू ये मॉडुलस फंक्शन वी एक्स प्लस टू माइनस फोर इज इक्वल टू 11। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अब ये 1/2 3x प्लस टू माइनस फोर इक्वल टू 11। तो बेटा के पहले स्टेप में तो आपने क्या करना है कि मॉडुलस फंक्शन के बाहर जो टर्म्स हैं उनको आप एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यानी अगर वो सिंप्लीफाई हो रही होंगी तो आप उन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 1/2 तो यहीं रहेगा, तो आपने क्या करना है कि मॉडुलस फंक्शन के अलावा जो टर्म्स हैं आपने उनको एक तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए 1/2 3x+2 तो आप यहीं रखेंगे, अब 4 देखिए यहाँ नेगेटिव है, वहां जाके राइट भी आके हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये 3x+2 इज इक्वल टू 11+4, आपके पास कितना आ जाएगा 15। अब देखिए 1/2, अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3x+2, सॉरी 2 यहाँ लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 × 2। अब ये आ जाएगा देखिए 3x और प्लस 2 मॉडुलस फंक्शन और 15+2 आ जाएगा 20। अब बेटा देखिए मोड आपने ख़त्म करना है, जब मोड ख़त्म करेंगे तो राइट पे या लेफ्ट पे प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस और 30। अब पहले आप एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस, पहले हम यहाँ लिख लेंगे इधर ये 3x+2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। और ये 3x+2 इज इक्वल टू -30। पहले प्लस वाली को सॉल्व कर लेते हैं, अब ये 3x इज इक्वल टू 30 - 2, अब 3x इज इक्वल टू 30 - 2 28। और फिर देखिए 3 यहीं रहेगा, x यहीं रहेगा और 3 राइट पे जाके मल्टी डिवाइड हो जाएगा 28 / 3, एक एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई 28/3। अब इसे सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू -30 और -2, 2 राइट पे जाके माइनस हो गया, और फिर 3x इज इक्वल टू -32 और x आ जाएगा -32/3। अब ये एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन इन चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये एक्स की वैल्यूज दोनों रखेंगे क्वेश्चन में, अब हम यहाँ लिखेंगे चेकिंग। क्वेश्चन लिखा आपने 1/2 और 3x+2 - 4 इज इक्वल टू 11। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 28/3। अब बेटा देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 28/3, 1/2 3x की जगह 28/3+2 और मॉड और ये -4 इज इक्वल टू 11। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और मॉडुलस फंक्शन 28+2 ये -4 इज इक्वल टू 11। और फिर देखिए ये 1/2 28+2 आ गया 30
मोड खत्म हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 11। अब ये 215 था, अभी आपके पास आ गया 15 -4 इज इक्वल टू 11, और 15 -4 11 इज इक्वल टू 11, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू ट्रू। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब एट एक्स इज इक्वल टू -32/3। अब बेटा जब हम ये पुट करेंगे, देखिए 1/2 और ये मॉडुलस 3 -32/3 और +2 -4 इज इक्वल टू 11। अब देखिए ये 1/2, ये 3 से 3 आप कैंसिल कर दें, ये आपके पास आ जाएगा -32 +2 और ये -4 इज इक्वल टू 11। अब बच्चों देखिए 1/2 -32 + 2 -30 और ये -4 इज इक्वल टू 11। अब आपको बताया होगा कि मॉड में नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये +30 और ये -4 इज इक्वल टू 11। अब देखिए 215 था, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 15 -4 इज इक्वल टू 11 और 15 -4 11 इज इक्वल टू 11, तो ये भी आपके पास क्या आ गई, ट्रू आ गई। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, तो सॉल्यूशन सेट आपका ये आ जाएगा 28/3 और -32/3, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, देखिए इसका पार्ट 3 आसान से है। ठीक है, अब मैं पार्ट आपको 4 करवा रहा हूँ। पार्ट 4 देखिए आपके पास ये है, पार्ट 4 है 3 + 2x और मॉडुलस फंक्शन इज इक्वल टू 6x - 7। अब बच्चों देखिए इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 + 2x एब्सोल्यूट वैल्यू और 6x - 7 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए 3 + 2x जब मॉड खत्म करेंगे तो हम यहाँ पे राइट पे प्लस माइनस लगा देंगे, चाहे लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं, और राइट पे लगाना चाहे राइट पे लगा दें, 6x - 7। तो पहले हम इधर पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, 3 + 2x इज इक्वल टू प्लस और 6x - 7। तो अब देखिए आ जाएगा 3 + 2x इज इक्वल टू 6x और -7, प्लस से आपको पता है कोई साइन चेंज नहीं होता। अब ये 3 + 7 को यहाँ पर ले आते हैं, 6x - 2x, 2x को राइट पर, 3 + 7 आ जाएगा 10, 6x - 2x 4x, और 4 राइट पे मल्टीप्लाई लेफ्ट पे आगे डिवाइड इज इक्वल टू एक्स, और ये 2 2 द 4 और 2 5 द 10, एक्स आपके पास आ जाएगा 5/2, एक वैल्यू एक्स की ये आ गई। ठीक है, अब दूसरा अब आपको सॉल्व करते हैं, और एक्स इज इक्वल 3 + 2x इज इक्वल टू -6x - 7, ये अपने यहाँ पर माइनस ले लेते। तो अब देखिए 3 + 2x - 6x -++7, अब 6x को लेफ्ट पर ले, 2x + 6x और 7 -3,
2 + 6 x 8 x, 7 - 3 आपके पास आ जाएगा 4, और फिर देखिए x आपके पास आ जाएगा 4/8, ये 4 × 4 = 8, x आपके पास आ गया 1/4। अब हम करेंगे चेकिंग, ठीक है। चेकिंग में दोनों आंसर्स यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन लिखा आपने 3 + 2 x मॉडुलस फंक्शन इज इक्वल टू 6 x - 7। पहले हम 8 x = 5/2 पुट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जब एक्स की जगह 5/2 पुट करेंगे, 3 + 2 x की जगह 5/2, और यहाँ पे 6 x की जगह 5/2 - 7। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 3 6। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3 + 5, ये 3 5 = 50 - 7, 3 + 5 = 8 = 50 - 7 8, ठीक है। ये आपके पास आ गया ट्रू, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम एट एक्स इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा देखिए 3 + 2 x की जगह 1/2 इज इक्वल टू 3 x की जगह 1/2, अच्छा ये 6 है, 6 x की जगह 1/2, तो ये -7। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1, और ये भी देखिए 2 × 2 = 6, ये आपके पास आ जाएगा 3 × 3, और ये -7। 3 + 1 = 4, और 3 - 7 - 4, तो ये भी आ जाएगा 4, और मोड में भी आपको पता है नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव, ये भी 4, देखिए ये भी आपके पास आ गया 2। तो आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, 1 x की वैल्यू आपने 5/2, ये 5/2 और ये 1/2, दोनों वैल्यूज ने सेटिस्फाई किया है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 है, पार्ट 5 है कि x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू इन -3 इज इक्वल टू 5, और माइनस मॉडुलस फंक्शन x+2, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। x+2 - 3 इज इक्वल टू 5 - x+2। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन को आप एक दफ ले आए और कॉन्स्टेंट को एक दफ ले जाए, ठीक है। अब ये x+2 और ये यहाँ पे आगे हो जाएगा +x+2 इज इक्वल टू 5, और 3 भी राइट पे जाके क्या हो जाएगा प्लस है, ठीक है। अब x+2 ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स मॉडुलस फंक्शन ऑफ x+2,
5 + 3 8। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट दिया तो हो जाएगा डिवाइड 8 / 2। बचे 2 × 2 = 8। तो अब x+2 = 4। अब हम मोड खत्म करेंगे और राइट पे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। x+2 = बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन और प्लस माइनस। अब एक दफा इधर x+2 = 4, तो यहाँ से आप x = 4 - 2 आ गए। और x+2 = -4 और x+2 - 4 - 2 x = -6। बच्चों x की दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब आप जो है ना ये वेरिफिकेशन चेकिंग कर लीजिएगा, ठीक है। एक चले मैं कर देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिखा x+2 - 3 = 5 और -x+2। पहले हम लिखेंगे एट x = 2। जब आप x = 2 पुट करेंगे, x की जगह जगह 2+2 - 3 और 5 x की जगह पर 2+2। अब 2+2 आ जाएगा 4 - 3 और ये 5 और 2+2 4। अब 4 का मॉड 4 ही आएगा -3 और 5 4 का मॉड 4 और 4 - 3 आपके पास आ जाएगा 1 और ये भी आपके पास आ जाएगा 1। ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू आप खुद पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन एट 1 2 आ जाएगा और एक आपके पास क्या है 2, दूसरा -6। दूसरी वैल्यू आप खुद पुट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर, पार्ट इसका है 6। वन अपॉन टू x+3 +21 = 9। वन अपॉन टू x+3 + 21 = 9। तो बच्चों आपको बताया हुआ है कि मॉडुलस फंक्शन के बाहर जो टर्म्स हैं पहले हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे, कोशिश करेंगे उन तमाम टर्म्स को राइट पर ले जाएं, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपके पास ये 1/2 जो एज इट इज आ गया। अब x+3 = 9 और ये आपके पास आ जाएगा -21। अब बच्चों देखिए ये 1/2 x+3 और देखिए 9 - 21 आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए 21 में से जब आपने 9 माइनस किया ये आपके पास आ जाएगा 12, ये आ जाएगा -12। और 2 देखे बच्चों यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x+3 = -12 × 2। अब x+3 = -24। अब बेटा देखिए राइट पे आपके पास आ गया माइनस, तो
मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आपने याद रखी, आपको पता है कि वी नो दैट आपके पास क्या होता है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। यानी आपके पास माइनस मॉड जो है, जो मॉड आपके पास क्या होता है कि आपको मैंने बताया हुआ कि देखिए क्या होता है कि मॉड इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस ए लेस देन 0। यानी अगर मॉड में नेगेटिव वैल्यू भी है, कि वी नो दैट मॉड में नेगेटिव वैल्यू भी है, तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस आ रहा है, तो ये आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन। क्योंकि इसको कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। यानी जब आप एक्स की जगह रखेंगे कोई जैसे वैल्यू आएगी भी, जब आप यहाँ रखेंगे तो ये -24 कभी भी नहीं आएगा। तो आप इसका लिख देंगे सोल्यूशन, सर लिख देंगे नल सेट। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, साइंस एक्सरसाइज है, ठीक है। अब देखिए इसका ना एक पार्ट मैं ये आपको करवा देता हूँ, लास्ट वाला पार्ट इसका 7 है, आसान सा ही है। पार्ट 7 और 3 -5x डिवाइडेड बाय 2 मॉडुलस फंक्शन -1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया हुआ है कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन के जो बाहरी टर्म्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये 3 -5x/4 उन्हें हम 1 बनाएंगे, ठीक है, -1/3 और ये 2/3। अब ये 3 -5x/4, अब देखिए 1/3 लेफ्ट पर माइनस हो रही है, राइट पे आगे +2/3, तो ये +1/3। अब यहाँ भी आप 3 ले लेंगे एलसीएम, 3 -5x/4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बच्चों 3 आ एलसीएम आ जाएगा, तो ये 2+1। अब ये आपके पास आ गया 3 -5x/4 इज इक्वल टू 2+1 3/3, ये 3 से 3 आप कैंसिल कर दे, 1 आ गया। अभी आपके पास आ जाएगा 3 -5x/4 इज इक्वल टू 1। अब हम बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, 3 -5x/4 इज इक्वल टू +-1। अब एक दो बार पहले हम लेते हैं इधर 3 -5x/4 इज इक्वल टू 1, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे 3 -5x/4 1/4। अब हम ये 3 -4 को यहाँ ले आएंगे, 5x को राइट पे आके प्लस कर दिया, 3 -4 -1 इज इक्वल टू 5x और -1/5 इज इक्वल टू एक्स, और आप एक्स लिख दीजिए -1/5। ये आपके पास एक एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। और फिर और जब हम करेंगे 3 -5x/4 इज इक्वल टू -1, अब 3 -5x
इज इक्वल टू -4 और फिर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5x, 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू 5x, और 5 को इधर आके मल्टी डिवाइड करते हैं, 7 बाय 5 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 बाय 5। तो स्टूडेंट्स ये एक्स की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आप इनको वेरीफाई कर लीजिएगा, चेकिंग जब आप करेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आफ्टर चेकिंग, चेकिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। चेकिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। जहाँ पर एक्स है वहाँ पे आपने -5 बाय 2 और 7 बाय 5 पुट कर देना। तो चेकिंग करने के बाद जब आप यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट आपका ये आ जाएगा -1 बाय 5 और 7 बाय 5, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। बट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।